दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के पिछले लंबे समय से अटकलों का दौर जारी था, लेकिन आखिर में ओम प्रकाश धनखड़, जो हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है। अब हरियाणा में भाजपा के लिए ओम प्रकाश धनखड़ कितने अच्छे रहेंगे या पार्टी संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे या पहले से कहीं और ज्यादा पार्टी आगे बढ़ पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र बाढ़िया जी। नमस्कार जी। सर, जैसा लग रहा था कि कृष्ण पाल गुर्जर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, और भी कई नाम थे जो चर्चा में थे, लेकिन आखिर में भाजपा हाईकमान ने पूर्व मंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है, उनकी क्या सोच रही होगी कि आखिर में एक जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि गैर जाट को बनाने की भी चर्चा चल रही है। ऐसा है कमल जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने जातिगत आंकड़ों, जो जातिगत आंकड़े हैं हरियाणा के, जातिगत समीकरणों को साधने के लिए किसी जाट नेता को ही अध्यक्ष पद देना अनिवार्य ही था। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि जाट भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे पहले दिन से खिसकता जा रहा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 बार का नारा लगा रही थी, लेकिन जाट बहुल जितनी भी सीटें थी, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ की स्वयं की सीट थी, चाहे दो नंबर कैबिनेट पे जो कैप्टन अभिमन्यु थे उनकी सीट थी, सभी सीटों पे आम तौर पे उनको हार का सामना करना पड़े। इवन कि सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े मार्जिन से, ये सभी बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक बार अवश्य सोचा था भी किसी गैर जाट को, बैकवर्ड को। उसमें कृष्णपाल गुज्जर का नाम चला, क्योंकि गुज्जर जो फरीदाबाद के लीडर हैं और जो भी मतदाता 6% के लगभग गुज्जर मतदाता हैं, और मेवात में, इसके अलावा गुड़गावा में राव मतदाता हैं, ये दोनों जो मतदाता हैं वो जाटों के विरुद्ध रहे हैं और वो आम तौर पे उसी पार्टी का समर्थन करते हैं जो जाटों का, जहां जैसे कि चौटाला साहब की पहले लीडरशिप थी, तो ये दोनों जो क्षेत्र थे वो कांग्रेस के साथ जाते थे, चाहे अहीरवाल है और चाहे फरीदाबाद का इलाका है। अब ये इसलिए कृष्णपाल गुज्जर का, नैब सैनी का जो उस क्षेत्र के सांसद हैं उनका नाम चलाया गया, लेकिन इस बीच सोनीपत जिले का जो उपचुनाव, जो बरोदा विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, वो एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। सर, जैसा आपने कहा कि बरोदा उपचुनाव जल्द ही होने वाला है, तारीख अभी ऐलान नहीं हुआ लेकिन जल्द ही शायद हो सकती है, तो ओम प्रकाश धनखड़ के लिए अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली परीक्षा होगी कि बरोदा उपचुनाव में पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बरोदा सीट भी जाट बाहुल्य सीट है, तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां जीत की राह आसान कर पाएंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास बरोदा सीट को जीतना बहुत कठिन है। बरोदा सीट जो है वो पहले चौटाला के परिवार के प्रभाव में थी, इनेलो की सीट थी, लेकिन पिछले दो चुनाव में वो कांग्रेस के पक्ष में जाती रही। सोनीपत और रोहतक में जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने, और उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सोनीपत और रोहतक पूरी तरह से हुड्डा के प्रभाव में है। अब क्योंकि जेजेपी जो स्वयं एक जाट बाहुल्य पार्टी है और जाटों का बड़ा समर्थन है दुष्यंत चौटाला को, और भारतीय जनता पार्टी अगर दोनों के मिलके ही चुनाव लड़ेंगी जैसी घोषणा हो गई है, सरकार जब होती है तो उसका पक्ष में एक 10% ऐसा वोट भी होता है जो सरकार से, जिन्होंने काम लेना होता है, जिन्होंने गांव में ग्रांट की घोषणाएं होनी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक उपचुनाव की तैयारी कर दी है, कल ही वहां पे बकायदा तौर पे एक मीडिया सेंटर जो बनाना था उसका भी शुरुआत हुई है, चाहे इलेक्शन, हो सकता है इलेक्शन दिसंबर तक हो, वैसे तो ड्यू है लेकिन कोरोना की वजह से अक्टूबर में ड्यू है, लेकिन कोरोना की वजह से वो देरी से भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां शुरुआत कर दी है। सर, जैसा कहा कि चुनाव की, उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के लिए पार्टी संगठन को फिर से पुनर्गठित करने का भी एक अवसर रहेगा, और जैसा देखते हैं अक्सर
कि नया प्रधान बनता है वो अपने चहेतों को या कहेंगे अपने समर्थकों को जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर या प्रदेश स्तर पर आगे बढ़ाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश धनखड़ भी नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन कर पाएंगे? ऐसा है कमल जी, एक बात को समझो, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो चीफ मिनिस्टर का रोल सबसे ज्यादा होता है। बड़ौदा उपचुनाव में अगर हार होगी तो मुख्यमंत्री की होगी और जीत होगी तो मुख्यमंत्री की होगी। ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान बनाकर जाटों को एक संदेश दे दिया है कि जाटों के हम खिलाफ नहीं है, हम केवल गैर जाटों के जो है हमारी पार्टी नहीं है, हम जाटों को भी महत्व देते हैं। और जाटों को चार सीटें पे उन्होंने पहले लोकसभा में चार सीटें लड़ाई जिसमें से वो जीते भी, जैसे हिसार की सीट से जीते हैं, मतलब चार सीटों पे उन्होंने जाटों को नहीं लड़ाया था, दो सीटों पर जाटों को, एक भिवानी सीट पर धर्मवीर सिंह और हिसार सीट पे। हालांकि रोहतक जाट भोले सीट थी लेकिन वहाँ अरविंद शर्मा को उन्होंने चुनाव लड़ा के पहले कैप्टन के नाम की चर्चा थी, और सोनीपत ये चार सीटें जाट भोले सीटें थी, लेकिन दो सीटें सोनीपत और रोहतक उन्होंने गैर जाट को उम्मीदवार बनाकर वहां से जिताई, और दो सीटें जाट उनके जो सांसद भी हैं। और इसी प्रकार उन्होंने तीन मंत्री भी बनाए हुए, जेपी दलाल है मंत्री जो भिवानी जिले से हैं, उसके बाद जो कलायत से महिला जो कमलेश डांडा हैं वो दो मंत्री भी बनाए हुए हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी हैं, और जाट को उन्होंने एक संदेश दे दिया है। हो सकता है जेजेपी के खाते में वो जीत जाए अथवा जेजेपी का कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से लड़े तो वो जीत हार मुख्यमंत्री की होगी। और जो आपने लास्ट क्वेश्चन जो संगठन का पूछा है, संगठन में भी जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो मुख्यमंत्री की बहुत अहमियत होती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के साथ काम किया है तो मिलजुल कर ही वो प्रधान का जो चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आरएसएस से लेके संगठन मंत्री की बात होती है, मुख्यमंत्री की बात होती है, हाईकमान की बात होती है, लेकिन बदलाव अवश्य आएंगे, नई टीम जल्द बनेगी और उसमें आप देखेंगे पहले की टीम से पूर्ण रूप से बदली हुई होगी। सर एक आखिरी सवाल कि अभी भी ये कहा जा रहा है कई वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सरकार के काम से खुश नहीं है या कहें कि अधिकारी उनकी मानते नहीं है, तो वर्करों के बीच और सरकार की कार्यप्रणाली के बीच ओम प्रकाश धनखड़ अपने वर्करों को किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे? ऐसा है, ये चीजें राष्ट्रीय दल में जब भी राष्ट्रीय दल की सरकार होती है, नेशनल पार्टी चाहे कांग्रेस की सरकार होगी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई कम होती है और ब्यूरोक्रेट्स हावी होते हैं। हालांकि कोरोना के टाइम में जो स्पीकर हैं उन्होंने भी अधिकारियों को जो है एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, विधायकों के फोन नहीं सुने जा रहे थे, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है, ये शिकायतें चलती रहेंगी। और शायद ही ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला में कोई ज़्यादा अंतर आएगा, कार्यकर्ताओं की सुनवाई किसी की होगी किसी की नहीं होगी, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ को बनाना मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी भी थी। और दूसरी अच्छी बात ये है वो संगठन के आदमी हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, 1978 से आरएसएस से जुड़े, 96 में फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, और उन्होंने जो किसान सेल में बहुत काम किया है, आंदोलन भी किए हैं, तो वो संगठन के आदमी हैं, संगठन में ठीक ठाक सा काम रहेगा उनका, शायद सुभाष बराला से वो अच्छे साबित होंगे। सर धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, बड़ौदा उपचुनाव के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ की पहली परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा में क्या परिणाम आएगा यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे पल पल, धन्यवाद, नमस्कार।